अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, जो कि है फैक्टराइज। फोर्थ पार्ट में टोटल दो टर्म्स दिए हुए हैं, हमने इसे फैक्टराइज करना है, छोटे छोटे फैक्टर्स में, छोटी छोटी ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें, 4x4 को हम लिख सकते हैं 2x² का स्क्वायर, ब्रैकेट के ऊपर जो होल की पावर होती है उसका मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी पावर 2 है। 2 की पावर 2 है, यानी कि 4x² की पावर 2 है, तो 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 4x4 लिखा हुआ हो या 2x² का होल का स्क्वायर लिखा हुआ हो, दोनों बातें सेम हैं। प्लस 81 है, तो 81 की जगह हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। हमें पता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 होता है, तो 81 लिखा हुआ या 9 का स्क्वायर लिखा हुआ दोनों बातें सेम है। ये काम हमने क्यों किया? असल में हम ये फार्मूला यूज करेंगे इन क्वेश्चन में। ये दो फार्मूलाज यूज होते हैं जब भी हमने फैक्टराइज करना होता है, फैक्टर्स बनाने होते हैं। देखें, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बन गया। अब 2ab हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मैथ्स का रूल है कि कोई चीज़ अगर खुद से ऐड करो, वही चीज़ अगर माइनस कर दो, तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, 2x² क्या हो गया, ये a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू क्या हुई, 9। अब यहाँ 2ab है, यानी कि a 2x² और 9b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 18x² बनेगा। तो ये 2 भी तो है, तो 18x² को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 36x² हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम यहाँ 36x² ऐड करें और यही 36x² माइनस कर दें, तो इससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई कहे मेरे पास 5 रुपीज़ है, कोई कहे मेरे पास 5 रुपीज़ प्लस 3 माइनस 3 रुपीज़ है, तो आप कहोगे दोनों बातें सेम है, 5 रुपीज़ हो या 5 में 3 ऐड कर दो, माइनस कर दो, तो वही 5 ही रहेगा। तो ये जो वैल्यू थी, इसमें हमने 36x² को ऐड कर दिया, उसी को माइनस कर दिया, तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये काम हम फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ए स्केयर और बी स्केयर, अब 2ab की शक्ल बनानी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 36x² को 2 × 2x² और 9। हमें पता है 36x² लिखा हुआ हो या ये 3 वैल्यूज़ लिखी हो, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ना, तो अगर इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, ये 36x² बनेगा। तो 36x² लिखा हुआ हो या ये 3 टर्म्स लिखे हुए हो, दोनों बातें सेम हैं। तो ये 3 टर्म्स बन गए, हमने ये 3 टर्म बनाने थे, तो इनको अलग हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और -36x² है, तो -36x² को वैसे ही रहने देंगे, इसका भी कोई काम नहीं है। आगे मजीद फार्मूला लगाएंगे। जब भी फार्मूला लगाना होता है तो 3 उल्टे डॉट लगाने हैं। देखिए, यही फार्मूला मैं लगा रही हूँ, तो हम लिखेंगे क्योंकि वी नो डैट। अब देखिए, यहाँ पे ए जो है वो 2x² है और बी जो है वो 9 है, तो ये वाली शक्ल हमारे पास मौजूद है, इसको हम इस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। ए प्लस बी, ए हमारे पास क्या है, वो 2x² है, फिर बीच में प्लस है, फिर बी स्क्वेयर है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 9 है, तो 9 का होल का स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये वाली शक्ल हमारे पास मौजूद थी, इसको हमने इस शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है। अब -36x² है, तो इसको हम लिख सकते हैं -6x का होल का स्क्वायर। देखिए, हमें पता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 होता है, तो 36x² लिखा हुआ या 6x² होल का स्क्वायर लिखा हुआ, ये दोनों बातें सेम हैं। तो ये काम हमने क्यों किया, ये हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। देखें, ये पूरी वैल्यू ए स्क्वायर बन गई, फिर बीच में माइनस है, और ये वैल्यू बी स्क्वायर बन गई। तो फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला जब भी अप्लाई करेंगे हम 3 उल्टे डॉट लगाएंगे, ताकि हमें पता चले कि हम फार्मूला यूज कर रहे हैं। इसका मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज वी नो डैट। अब यहाँ ए की ये वैल्यू पूरी है,
तो हमने कन्वर्ट करने हैं। देखें ये वाली शक्ल हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे ए जो है 2x² + 9 पूरी वैल्यू है और बी जो है वो 6x है। तो ये वाली शक्ल हमारे पास मौजूद है, इसको हम इस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। पहले ब्रैकेट लगा देंगे, तो ए हमारे पास क्या है, ये पूरी वैल्यू ए है, यानी कि 2x² + 9, फिर बीच में प्लस है फिर बी है, तो प्लस करके ये बी की वैल्यू 6x हम लिख देंगे। फिर एक और ब्रैकेट है तो और ब्रैकेट लगा देंगे, फिर ए माइनस बी है, ए की वैल्यू ये पूरी है तो यानी कि 2x² + 9 आ जाएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर बी है तो बी की वैल्यू 6x है। इस क्वेश्चन में टोटल दो टर्म्स दिए हुए थे, हमने फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करके दो फैक्टर बना लिए हैं।